पठानकोट हमले के बाद INA ने एयरबेस के आसपास सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। गुरदासपुर में भी दो संदिग्ध आतंकवादियों के देखे जाने के बाद छानबीन की गई है, हालांकि अभी तक कुछ संदेहास्पद हासिल नहीं हुआ है। इस बीच NIA ने गुरदासपुर के SP सलविंदर सिंह को दिल्ली आने के लिए सम्मन भेज दिया है। पठानकोट हमले के पीछे की साजिश और देश के दुश्मनों पर नकेल कसने के लिए भारत पूरा जोर लगा रहा है। पठानकोट और गुरदासपुर में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दो संदिग्ध आतंकियों के देखे जाने की खबर के बाद से ही सुरक्षाकर्मी पूरे एहतियात के साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। आज तक की टीम भी पल पल की जानकारी ले रही है। ये इलाका रावी नदी के उस पार है जहाँ से पाकिस्तान की सीमा साफ देखी जा सकती है। भारत पाक सीमा पर मौजूद पठानकोट जिले के चुंबर गांव के निवासी नवाब अली ने ही दो संदिग्धों को देखने का दावा किया था। उन्होंने बोला कि खड़ा हो जा, मैं खड़ा हो गया। मैंने खाना इधर रख दिया, मतलब प्लेट में डाल के ना इधर रख दिया खाना। मैं खड़ा हो गया, उन्होंने मेरे पास यहाँ बंदूक रखी गंज। उन्होंने बोला क्या नाम है तेरा, मैंने कहा जी नवाब। उन्होंने कहा कि किसी को बताइयो मत, नहीं तो हम तुम्हें गोली मार देंगे और यहाँ से भाग जाओ। जो हमें इन्फॉर्मेशन आई थी उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस की अलग अलग टुकड़ियाँ बना करके इस एरिया को हमने कॉर्डन किया और कॉर्डन करने के बाद इस सर्च किया, लेकिन सर्च में अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई है और अभी हमारा सर्च अभियान जारी रहेगा। एयरफोर्स स्टेशन पर हुए आतंकी हमले को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसीज और NIA जो इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, उन्होंने इस गांव का दौरा किया था। साथ ही पुलिस, पंजाब पुलिस के लोगों ने आकर के यहाँ इस गांव में सभी लोगों की काउंटिंग की, क्योंकि शक इस बात का जताया जा रहा है कि जब आतंकी नाले के जरिए अंदर एंट्री किए थे एयरफोर्स के बेस के अंदर, तो उस दौरान कुछ लोकल लोगों ने उनका सपोर्ट किया था। पठानकोट एयरबेस के आसपास भी सर्च ऑपरेशन से आतंकी खतरे से सुरक्षा को पुख्ता करने की कोशिश जारी है। NIA की टीम इसकी अगुवाई कर रही है। पठानकोट हमले से जुड़ी अहम खबर ये भी है कि गुरदासपुर के SP सलविंदर सिंह को NIA ने दिल्ली आने का समन किया है। सोमवार को SP सलविंदर को दिल्ली लाया जाएगा और कयास ये भी है कि दिल्ली में सलविंदर सिंह का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा पठानकोट एयरबेस में पाए गए आतंकियों के जूते के संदिग्ध निशान को जांच के लिए चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। जाहिर है इस बार भारत किसी भी सूरत में आतंकी साजिश की परतों को बिना सुलझाए दम नहीं लेगा। पठानकोट से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आमिर खान केंद्र सरकार के इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगे, पर्यटन मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आमिर खान से सरकार का सीधे कोई सहमति नहीं थी। मंत्रालय इन 2016 माय नेम इज गौरव प्रेती एंड हियर वी गो। साहिल द चुबाका मेड श्योर दैट ही वॉच्ड द फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑफ स्टार वॉर्स एंड वाज रेडी विद दोस स्पॉइलर अलर्ट्स। सो रोहित